देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रथम चरण का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है। पर इस बीच आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के 40 मौजूदा सांसदों में 12 सांसद बिना चुनाव परिणाम आए ही भूतपूर्व हो गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जबकि एक सीट किशनगंज पर कांग्रेस की जीत हुई थी। एनडीए में 39 मौजूदा सांसदों में 12 सांसद इस बार चुनावी लड़ाई से बाहर हो गए हैं, यानी उन्हें उनके दल के टिकट कर दिए हैं। वे टिकट होने वाले सांसदों में जदयू के सुनील कुमार, पिंटू सीतामढ़ी के कविता सिंह सिवान से तथा महाबली सिंह को कराकट से, विजय कुमार को गया से बेटिकट किया गया है। जी हाँ, कराकट सीट जदयू ने एनडीए के सहयोगी दल के उम्मीदवार जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ी है। बदले में भाजपा ने अपनी सीट शिवहर जादू को दिया है, तथा पिछली बार की लोजपा की सीट नवादा भाजपा ने अपने खेमे में रखा है। भाजपा से वे टिकट होने वाले सांसदों में बक्सर के अश्विनी कुमार चौबे, सासाराम से छेदी पासवान, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद तथा शिवहर से रामा देवी का नाम शामिल है। पिछली बार लोजपा ने कुल 6 सीट बिहार में जीती थी। बाद में लोजपा ने 2 गुट बना लिए थे, चिराग पासवान और अपने गुट के अकेले सांसद, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे। इस बार एनडीए में चिराग पासवान को ही 5 सीट मिली है। चाचा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से, प्रिंस पासवान समस्तीपुर से, चंदन कुमार सिंह नवादा से, महबूब अली कैंसर खगड़िया से बिना चुनाव लड़े ही भूतपूर्व हो गए। जिन सांसदों का टिकट काटा गया है उनमें से रामा देवी शिवहर से, राजद का अजय निषाद, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस का छेदी पासवान, सासाराम से कांग्रेस का टिकट पाने के जुगाड़ में है छेदी पासवान जिया, और अक्षद निषाद ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। महाबली सिंह के बारे में भी खबर है कि वह महागठबंधन के उम्मीदवार बनने की तैयारी में लगे। तमाम समीकरण के बावजूद बिहार में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन काफी बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के तमाम उम्मीदवारों को मोदी लहर का भरोसा है। बिहार में इस बार कोई चौंकाने वाला परिणाम नहीं आने वाला है। स्थिति जस की तस है। उस सीटों पर कमजोर उम्मीदवार और जातीय समीकरण को दरकिनार करने का खामिया जय इंडिया को उठाना पड़ सकता है, जिसकी संभावना भी इस बार कम नजर आ रही है। महागठबंधन बिहार में पूरी तरह से तेजस्वी के भरोसे है। तेजस्वी लोकसभा चुनाव के बहाने 2025 में बिहार में खुद के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को मजबूत करने में लगे हुए हैं।